तो दोस्तों आज का वीडियो जो होगा दोस्तों वो आप लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है दोस्तों। तो इसमें आपका जिसका भी खोया हुआ होगा या दोस्तों जिसका भी खोया हुआ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस होगा दोस्तों, आप यहां से उसका निकाल सकते हैं दोस्तों। और आयुष्मान प्रिंट का, आयुष्मान जो होता है दोस्तों उसका कार्ड भी आप प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं दोस्तों और इसका प्रिंट भी कर सकते हैं दोस्तों। और आ गया दोस्तों इसमें क्या 7वां नंबर में आ गया ऑप्शन क्या दोस्तों, जानते हैं दोस्तों, ई श्रम कार्ड भी आप बना सकते हैं दोस्तों। इसमें ई श्रम कार्ड बनाने में दो ऑप्शन दिया गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका पूरा डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। और इसका रिटेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर अगर इसका लेना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दोस्तों से कॉन्टेक्ट करके या फिर व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं दोस्तों, या फिर मेरा वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए भाई का नाम है अजित कुमार और मेरे चैनल में स्वागत है। अगर मेरा चैनल पर पहली बार आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का जरूर प्रेस कर दो। चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पे, जैसे कि दोस्तों मैं लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुका हूँ दोस्तों। यहाँ आने के बाद क्रोम ब्राउजर में जाते हैं दोस्तों, उसका यहाँ पे आधार पोर्टल जो है दोस्तों इसको मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ दोस्तों। जैसे आधार पोर्टल के ऊपर जहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ यहाँ पे लॉडिंग लेगा दोस्तों। लॉडिंग लेने के बाद कुछ आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों। यहाँ पे हमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर टिक लगा के यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ प्रोसेस इस तरह का आएगा दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह का आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको शो करेगा दोस्तों ऊपर में ही देख लीजिए, यहाँ पे पूरा यहाँ पे देखेगा दोस्तों आधार कार्ड, मैनुअल आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ एप्लीकेशन, आयुष्मान भारत कार्ड, ई श्रम कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, ऑल ट्रेनिंग वीडियो, ये सब आ गया दोस्तों यहाँ पे। ऑल ट्रेनिंग वीडियो भी देख करके आप यहाँ से काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों ये सारा सर्विस आप लोगों के लिए अवेलेबल है दोस्तों। ये सारा सर्विस यहाँ पे काम करते हैं दोस्तों, सारा सर्विस जितना सर्विस यहाँ पे दिखाया जा रहा है दोस्तों सब सर्विस यहाँ पे काम करता है दोस्तों। लेकिन सबसे ऊपर में बी जो है दोस्तों वो सर्विस काम नहीं करता दोस्तों। तो आधार कार्ड यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर आपको डालने बोलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आधार नंबर अपना डाल लेता हूँ दोस्तों। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों कुछ आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों। जैसे यहाँ आधार नंबर यहाँ पे डाल लिया दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे कैप्चर, कैप्चर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे फिंगर में मेरा लाइट आ गया दोस्तों। फिंगर के ऊपर मैं क्लिक कर लूंगा दोस्तों। क्लिक करने के बाद ओके आया दोस्तों, यहाँ ओके के ऊपर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे दोस्तों तो देख सकते हैं कि एक मोबाइल स्क्रीन चल रहा है दोस्तों, एक उधर स्क्रीन चल रहा है दोस्तों। तो यहां देख सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड यहां पे आ चुका है दोस्तों। जैसे आप आधार कार्ड यहां पे आएगा दोस्तों, उसके बाद यहां पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है हिंदी, हिंदी के ऊपर क्लिक करके सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। देन जैसे यहां पे क्लिक कर देंगे दोस्तों कुछ सारा डिटेल्स यहां पे आप लोगों के सामने शो कर दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहां पे आएगा दोस्तों प्रिंट, पीवीसी आ जाएगा दोस्तों यहां पे। उसके बाद यहां पे न्यू प्रिंट लिखा है दोस्तों, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका फाइनली आधार कार्ड आ गया है दोस्तों। जैसे यहां पे आ गया आधार कार्ड दोस्तों, आधार कार्ड में एक खासियत बात है कि दोस्तों इस आधार कार्ड में जो QR कोड है दोस्तों, इस QR कोड भी काम करता है दोस्तों। यहां से आप प्रिंट करके आप ग्राहकों को दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहां पे जो आधार कार्ड का डाउनलोड है दोस्तों, इसको मैं डिलीट कर देता हूं दोस्तों। आप लोग यहां पे रख भी सकते हैं दोस्तों, इसको डिलीट भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आ गया दोस्तों यहां पे देखते हैं कितना सारा सर्विस है। ई श्रम कार्ड भी आप इससे बना सकते हैं दोस्तों, OTP विदाउट OTP दोनों जगह से बना सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों यहां पे विदाउट OTP के ऊपर, सबसे ऊपर हो गया OTP, नीचे हो गया विदाउट OTP, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं दोस्तों। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों। यहां पे रेट का ऑप्शन जो है दोस्तों, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहां से ई श्रम कार्ड आप बना सकते हैं दोस्तों आसानी से। उसके बाद दोस्तों यहां पे आ गया क्या दोस्तों, ड्राइवरी लाइसेंस। ड्राइवरी लाइसेंस अगर किसी का खो गया है दोस्तों तो ड्राइवरी लाइसेंस आप यूज कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड हो गया दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ हो गया दोस्तों, पैन कार्ड हो गया दोस्तों, वोटर कार्ड हो गया दोस्तों, मैनुअल आधार कार्ड हो गया दोस्तों, ये सारा सर्विस आप यहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिसका खोया हुआ है दोस्तों। अगर सभी का यहां से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका पूरा प्रोसेस आप लोग जान गए दोस्तों। अगर इसका रिटेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर फ्रेंचाइजी इसका लेना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए दोस्तों, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके या फिर व्हाट्सअप करके आप आसानी से ले सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो देखने में मजा, तो वीडियो कर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। चलिए आज के बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगला, तो धन्यवाद।